हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज नेचुरल। और आज जो आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी एनिवर्सरी का मेकअप लुक, जो कि मैंने खुद की एनिवर्सरी पे ही किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है लेवेंडर टोनर, जो कि गुड वाइब्स का है, काफ़ी अच्छा टोनर है। इसका रिव्यू भी दिया है मैंने अपने चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने लगाया है यहाँ पर फेस मॉइस्चराइज़र, ये भी गुड वाइब्स का है। एक्चुअली ये फेस मॉइस्चराइज़र नहीं है, ये बॉडी मॉइस्चराइज़र है, लेकिन ये फेस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने अपने रिव्यू में भी आपको बताया था, तो आप देखना चाहे तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कलर बार का प्राइमर, तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से जहाँ भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ लगा लिया है। और अब मैंने लिया है यहाँ पर पैक का फाउंडेशन, शेड नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सारे ही प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से देख सकते हैं। और इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है, और फिर एक ब्रश की हेल्प से मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना भूल गई थी, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जिसके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर वैसलीन लगा लिया है। और हाँ, एक टिप्स और है, अगर आपको ब्लैक लिप्स की प्रॉब्लम है तो भी आप हल्का सा मॉइस्चराइज़र लिप्स पर लगाएँ, और उसके बाद फाउंडेशन लगाएँ, और अपनी लिप्स पर भी थोड़ा फाउंडेशन लगाएँ, ताकि जो आप लिपस्टिक बाद में अप्लाई करें उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उभर के आए। तो यहाँ पर मैंने ये ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने अपने ईयर पे, नेक पे, हर जगह फाउंडेशन यहाँ पर लगाया है, ताकि जो भी एरिया ओपन रहे तो वो इवन दिखे, ऐसा ना दिखे कि नेक और कलर का है और फेस और, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी नेक तक ये फाउंडेशन अप्लाई किया है। देन मैंने यहाँ पर लिया है मेबलिन का फिट मी कंसीलर, जो भी एरिया मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पर मैंने लगा लिया है। एज अ आई प्राइमर भी मैंने इसी को यूज़ किया है, तो यहाँ भी मैंने लगा लिया है। अगर आपके फेस पे कोई डार्क स्पॉट है तो वहाँ पर भी आप ये लगा सकते हैं उन्हें हाइड करने के लिए। सेम ब्रश की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अपने सारे ही वीडियो में आपको बताती हूँ। जो काला पड़ जाता है मेकअप या लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता या पैची मेकअप हो जाता है, वो सारी ही ब्लेंडिंग की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट लगाएंगे तो ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, कभी कभी सस्ते प्रोडक्ट भी इतने अच्छे होते हैं अगर आप उनको अच्छे से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी ब्लेंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करें अपने बेस की। तो मेरी जो ब्लेंडिंग थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर जो फेस है इसको हम सेट कर लेंगे, जो मेकअप मैंने लगाया है। तो मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर कलर बार का कॉम्पैक्ट लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहती थी, बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा सा 6-7 बजे का टाइम था, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था मुझे हैवी, क्योंकि मैं इतना हैवी नहीं करूँगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर लूज़ पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्टोरिंग स्टार्ट की है। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेटन वाइट की ब्रॉन्जर पैलेट, और ये जो एक फ्लैट ब्रश है, मतलब कॉन्टोर ब्रश है, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर कॉन्टोर कर लिया है। जिन लोगों को भी कॉन्टोर नहीं आता है, तो इस बारी वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में और धीरे बताया है, तो आप आसानी से कॉन्टोर कर सकते हैं। तो मैंने अपनी चीक को कट दे दिया है बहुत अच्छे से। थोड़ा पाउट वाला अगर आप फेस बनाएंगे तो आपको कंटूरिंग जो लाइन है चीक की वो आसानी से दिख जाएगी। अब मैं अपनी जॉ लाइन को भी अच्छे से कंटूर कर लूँगी, और कंटूर को हमेशा नीचे की तरफ आप ब्लेंड करें, ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएं, ताकि अगर आपको डबल चिन की भी प्रॉब्लम है तो वो भी हाइड हो जाए। अगर आपका फॉरहेड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो यहाँ भी आप कट कर सकते हैं कॉन्टोरिंग की हेल्प से, लेकिन मेरा नहीं है तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने फॉरहेड पे नहीं की है। अब मैं अपनी नोज़ को भी अच्छी तरीके से शेप दे दूँगी। एक मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग कम्प्लीट कर ली है। और अब बारी है यहाँ पर ब्लश की। तो ब्लश के लिए मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है यहाँ पर, और
ब्रश, मैंने ये जो ब्लश यूज़ किया है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और अभी जो आपको आवाज़ सुनाई दी, ये बैलून फटने की थी, क्योंकि एनिवर्सरी पे बैलून वगैरह लगे थे तो वही अभी फट रहे हैं, इसलिए आपको आवाज़ आई होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लिया है, जो कि आई थिंक मेकअप रेवोल्यूशन का है, तो इसको भी मैं एक हाइलाइटर ब्रश की हेल्प से अपनी जो चीक बोन है उसको हाईलाइट कर रही हूँ। मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में ही लगाती हूँ। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम लगा सकते हैं। मैंने नोज़ को भी अच्छी तरीके से हाइलाइट कर लिया है। और उसके बाद बारी है आई मेकअप की, तो मैंने यहाँ पर ये ली है कलर बोर्ड की, शायद ये जो पैलेट है उससे मैंने फिंगर की हेल्प से एक लाइट ग्लिटरी ग्रीन कलर है, क्योंकि मेरा ड्रेस का कलर ग्रीन है, तो फिर मैंने अपनी आईलेट पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अपनी पूरी आईलेट पे मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, तो इसको मैं अच्छे तरीके से अपनी पूरी आईलेट पे लगा लूँगी। अब इसी पैलेट में से मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेके और मैं अपनी क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ, ताकि जो मेरे आई लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और जो मैंने ग्रीन पिगमेंट लगाया था वो उभर के आए। इसको भी मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और ये मिस क्लियर का ग्लिटर है, काफ़ी अच्छा ग्लिटर है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और ये मेरे ड्रेस से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, तो इसलिए मैंने ये ग्लिटर भी लगा लिया है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहती थी, क्योंकि वेस्टर्न ड्रेस है उस पर बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है, बहुत ही लाइट किया है, लेकिन मुझे ग्लिटर पसंद है तो मैंने ग्लिटर यहाँ पर अप्लाई किया है। आप चाहें तो मिस क्लियर की जगह कोई और भी ग्लिटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा आई लुक है। और अब बारी है यहाँ पर लाइनर की, तो लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का लाइनर लिया है। मैं लाइनर लगाने में बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ कि अच्छा लग जाए। अब बारी है यहाँ पर काजल की, तो काजल के लिए मैंने यहाँ पर ये फेसेस कैनेडा का काजल लिया है। इसको मैं अपनी अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन दोनों पर ही लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी लाइनर लगाते टाइम बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाता है, जो अगर आप अपर वाटर लाइन पर वो काजल अप्लाई करते हैं ना, तो वो कवर कर देता है। अब एक फ्लैट ब्रश लेके मैं यहाँ पर जो लोअर लैशेस लाइन है वहाँ पर मैं ग्रीन पिगमेंट लेके इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, और जो मेरा कॉन्टोर था उसी में से एक फ्लपी ब्रश की हेल्प से मैं नीचे भी इसको ब्लेंड कर लूँगी, जो लोअर वाटर लाइन है। और अब बारी है आईब्रो की, तो आईब्रो के लिए मैंने ये लोकल मार्केट से एक पेंसिल ली थी, उसी से मैंने अपनी आईब्रो फिल की है। वैसे तो आपको दिखता ही होगा कि मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है दिल्ली में और केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे सेफ़ नहीं लगा कहीं बाहर जाना, तो फिर मैंने ऐसे ही काम चला लिया। उसके बाद मैंने स्पूली की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से मर्ज कर लिया है। ये मेकअप लुक और भी ज़्यादा सुंदर लगता अगर आईब्रो अच्छी तरीके से थ्रेडिंग की हुई होती। तो फिर मैंने यहाँ पर जो इनर कॉर्नर है उसको भी हाईलाइट कर लिया है सेम हाइलाइटर से, जो कि मैंने अपने फेस पे चीक पे अप्लाई किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्कारा लिया है, जो कि मेबलिन का मस्कारा है। मैं यहाँ पर फॉल्सेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो बहुत लाइट फॉल्सेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी तो इस लुक पर नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन लाइट फॉल्सेस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपने लोअर लैशेस और अपर लैशेस दोनों पर ही लगा लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है ये लिपस्टिक। लिपस्टिक का मुझे ब्रांड याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ना डार्क ली है लिपस्टिक और ना ही बहुत ज़्यादा मैंने लाइट ली है, क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग ही ये वाला शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा,
तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए लुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।